एक अधिवक्ता हैं और अभी एक रामदेव का बयान आया था, उसके ऊपर देश के अंदर पूरी खलबली सी मच गई है, जिसके अंदर बहुजन के जो जितने भी अंबेडकरवादी लोग थे उनके ऊपर एक तीखा कटाक्ष करा था रामदेव ने, तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो रामदेव है, मैं कहना चाहूँगा कि रामदेव, उसके नाम से ही आपको परिलक्षित लगता है कि उसके तो नाम में भी मिलावट है, और वो एक दलाल प्रवृत्ति का इंसान है। इससे ज़्यादा मैं और उसके बारे में क्या कहूँ कि वो जिनके हाथों में खेल रहा है, जिनके हाथों का वो चमचा बना हुआ है। कांशीराम जी ने चमचा युग एक किताब लिखी थी कि हमारे समाज से ऐसे ऐसे चमचे पैदा किए जाएंगे, वो हमारा नुकसान हमारे लोगों से ही करवाएंगे। वही आरएसएस के तर्कस में रखा हुआ एक तीर है, जो बहुजन का ही तीर बहुजन के ऊपर छोड़ा जा रहा है, रामदेव वही तीर है। तो क्या लगता है कि कोई रणनीति है जिसके सोचे समझे तहत ये कार्य किया जा रहा है? बिल्कुल, मैंने बताया नहीं कि वो जो आरएसएस जो है हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का करके हमारे महापुरुषों को गाली दिलवाता है, हमारे महापुरुषों को आतंकवादी, वो वैचारिक आतंकवादी कहता है जी। उसने जो गाली दी है हमारे महापुरुषों को, वो हमारे बाबा साहब को, हमारे फूले साहब को, पेरियार रामास्वामी नायकर जी को, नलन सिंह यादव जी को, वो वैचारिक आतंकवादी कहता है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और ये देखिए, एक सोची समझी राजनीति, सोची समझी प्लानिंग के तहत चल रहा है जी। अभी आपने सुना होगा पिछले दिनों इस सरकार ने एक वो जारी किया था, एक सर्कुलर जारी किया था कि जो भी किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति को आप जो है देशद्रोह का मुकदमा बना दें, उसमें कुछ आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति इस तरह की बात करता है वो देशद्रोही कहलाएगा। आपने 2017 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि 2017 में एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था इन्होंने, कोई भी बीजेपी के खिलाफ या आरएसएस के खिलाफ बोलता था तो वो उसको या तो कहते थे कि पाकिस्तान चला जा, या उसको सीधा कहते थे देशद्रोही है। तो ये जो बातें इन्होंने कर रखी हैं, आप एक अधिवक्ता भी हैं, जैसे आपने बताया बाबा साहब ने संविधान दिया, आरबीआई के गठन किया, उसके बावजूद भी क्या लगता है कि क्या इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? आप एक अधिवक्ता हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिल्कुल मुकदमा चलना चाहिए इनके ऊपर, डेफामेशन का मुकदमा चलना चाहिए और राजद्रोह का मुकदमा तो इनके ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों को डिफेम कर रहे हैं। हमारी जो विरासत है, भारत की जो इतनी अच्छी संस्कृति है, इतनी अच्छी विरासत है, इतने अच्छे हमारे जो 108 महापुरुष हुए हैं उनको इसने उस विरासत को इसने गाली दी है। और ऐसे इतनी अच्छी विरासत को अगर कोई कोसता है तो वो वाकई में देशद्रोह का काम करता है। ये देशद्रोह की कैटेगरी का एक मुकदमा बनता है, इसके ऊपर ये मुकदमा बनना चाहिए। क्या बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं जिन्हें 85% कहा जाता है, क्या इनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनका बहिष्कार भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो व्यक्ति दूसरे दलों में और आरएसएस के हाथों में खेलते हैं उनका वाकई में उनको बायकॉट करना चाहिए जी। आप थे हमारे साथ मदन लाल जी, आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।